नया तेवर नई थार। राजस्थान की आवाज आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसिडीज। राजस्थान में 704 पंचायतों के चुनाव के लिए प्रवेशक तय, 15 मार्च को होगा मतदान। पंचायत राज के पहले चरण में शेष रही 704 पंचायतों में 15 मार्च को होने वाले चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 जिलों के लिए चुनाव पर्यवेक्षकों की सूची तैयार की है। आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पर्यवेक्षकों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के विशिष्ट अधिकारियों को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। श्याम सिंह राजपुरोहित के मुताबिक भागचंद बघेल अजमेर ग्रामीण, अनिल अग्रवाल को अलवर की और निमराणा बंसूर को भंवर सिंह सिद्धू को ये पर्यवेक्षक बनाया गया है। राजपुरोहित ने बताया कि पर्यवेक्षक ग्रामीण सरकार के चुनाव के लिए सभी पर्यवेक्षक राज्य निर्वाचन आयोग की रिटर्निंग अधिकारी के बीच कड़ी का काम करेंगे। जिला से जुड़ी सूचना और राज्य चुनाव आयोग को भेजेंगे। जिन जिलों में 30 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं उनमें 9 जिलों में पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं। गौरतलब है कि इन 704 ग्राम पंचायतों में 15 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। इन पंचायतों में सरपंच पद का चुनाव ईवीएम मशीन से और पंच पद का चुनाव मतपत्र से कराया जाएगा। इन चुनावों के लिए 4 मार्च को मतदान दलों की रवानगी हो जाएगी। मतदान के तुरंत बाद ही मतगणना करवाई जाएगी। इन सभी पंचायतों में 16 मार्च को उप सरपंच के चुनाव करवाए जाएंगे। कोरोना वायरस का असर, जयपुर में सोने में एक दिन में सबसे बड़ी तेजी, तो चांदी भी 10 ग्राम पर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में आधी फीसदी की कटौती और डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर होने से बुधवार को जयपुर सराफा बाजार में सोना एक ही दिन में 1500 रुपए महंगा हो गया और 44,760 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले 24 फरवरी को जयपुर में सोना 44,180 रुपए के स्तर पर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बनाया था। सोने में पहली बार एक दिन में सबसे बड़ी तेजी दर्ज की गई है। इस साल 1 जनवरी से अब तक जयपुर में सोना 44,710 यानी 11.8 फीसदी महंगा हो चुका है। 1 जनवरी को जयपुर में शुद्ध सोना 40,150 रुपए था, जो अब 44,760 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। अमेरिका में ब्याज दरों की कटौती के कारण यह असर हुआ है। तेजी के कारण अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने कोरोना वायरस के डर से ब्याज दर को 50% की कटौती की है। यह साल 2018 के बाद सबसे बड़ी कटौती है। दूसरे देशों में केंद्रीय बैंक भी ब्याज दरों में कमी कर सकते हैं। इससे निवेशकों ने बेहतर रिटर्न के लिए सोना चांदी का रुख कर लिया। कोरोना के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास दर में कमी का अनुमान है। इसके कारण सोने की मांग भी बढ़ी है। इस हफ्ते सोने में फिलहाल बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। अमेरिका में रोजगार के आंकड़े की उम्मीद से बेहतर होने की वजह से बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मामूली सी तेजी रही। जयपुर सराफा बाजार में चांदी 17,800 रुपये, चांदी रिफाइनरी 17,300 रुपये प्रति किलो रही। पानी को लेकर राज्य और केंद्र सरकार में टकरार। सरकार के पास 2,00,000 करोड़ रुपए है, वो तो मिल सकेगा सभी को पानी। हर घर में पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार के पास पर्याप्त बजट नहीं है। यही वजह है कि सरकार तमाम प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार के सहयोग की उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार से सीधे तौर पर कोई आश्वासन नहीं मिला है। हालांकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से कई बार ये कहा गया है कि जल जीवन मिशन का काम राजस्थान में धीमी गति से चल रहा है, पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। जल जीवन मिशन और पूर्वी राजस्थान में नहर परियोजनाओं को शुरू कराने के लिए राज्य सरकार करीब 2,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। कुछ जल्दी मंत्री बी डी कल्ला सदन में ये कह चुके हैं कि बिना केंद्र के सहयोग से इन योजनाओं को पूरा करना संभव नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2 मार्च को ट्वीट करके बताया कि अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान के 17 जिलों के 22 ब्लॉक और 876 ग्राम पंचायतों को करीब 50,00,000 से ज़्यादा लोगों को मिलेगा अटल भू योजना का जल की सौगात। इस योजना के तहत उन इलाकों का चयन किया गया है जहां पर भू स्तर काफी नीचे है। इस योजना के तहत जल स्तर को ऊंचा उठाने की कावियत की जाएगी। सदन में 2 मार्च को ही जलदेय विभाग का अनुदान की मांग पर बोलते हुए जलदेय मंत्री बी डी कल्ला ने कहा कि 2013 तक केंद्र सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत मरुस्थलीय क्षेत्रों में 90% अनुदान मिलता था, जो घटाकर 50% कर दिया गया है।
2024 तक जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल से जल पहुंचाने के लिए करीब 1,50,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। केंद्र के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार 50% 75,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को खर्च करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से 90% अनुदान की मांग की है। जल जीवन मिशन अनुदान को 90% करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 बार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को पत्र लिख चुके हैं। वहीं जलदाय मंत्री भी राज्य के सभी सांसदों को पत्र लिखकर राज्यों के हित में पैरवी करने के आग्रह कर चुके हैं। राज्य में 13 जिला झालावाड़, 12 कोटा, बूंदी, स्वयं मधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में मनुष्य एवं जानवरों के लिए वर्ष 2051 तक पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूर्व राजस्थान जल नहर ODPR तैयार किया जा चुका है, जिसमें 37,247 करोड़ रुपये खर्च हुए। यह रिपोर्ट केंद्रीय जल शक्ति आयोग के आवश्यक अनुदान के लिए भेजी गई थी। बिना केंद्र के सहयोग से इस योजना को मूर्त रूप देना संभव नहीं है। प्रदेश में शहरों की तर्ज पर ग्रामीण परिवारों को भी पेयजल उपलब्ध करवाना है। इससे पहले चरण में 16 जिले चयन किए गए, जिसमें 4,327 गांव और 9,159 ढाणियां भी लगभग 9 लाख परिवारों को फायदा होगा। इस योजना में झुंझुनू, अजमेर, बाड़मेर और जोधपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, पाली, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, नागौर, कोटा, बूंदी, करौली को लाभ मिलेगा। होली पर घर आना हुआ मुश्किल। एयरलाइंस ने जयपुर आने के लिए बढ़ाया हवाई किराया, ट्रेन में लंबी वेटिंग। होली के पर्व पर यूं तो घर पहुंचने के लिए परेशानी हमेशा होती है, लेकिन इस बार यात्रियों के लिए दिक्कत और जाओ ज़्यादा बढ़ गई है। दरियाल कई शहरों में ट्रेन में सीट मिलना तो दूर बुकिंग ही बंद हो चुकी है और हवाई सफ़र पहले से ज़्यादा महंगा हो चुका है। आमतौर पर ऐसा हर बार होता है कि एयरलाइंस त्योहारों को देखते हुए हवाई किराए की दर कई गुना अधिक कर देती है। कम से कम दिवाली और होली पर यह बात आम है, लेकिन इस बार एयरलाइंस ने पर्याप्त फ्लाइट्स होने के बावजूद भी हवाई किराया अधिक कर दिया है। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद जैसे शहरों में रहने वाले जयपुर वासियों को होली मनाने के लिए जयपुर आना महंगा पड़ रहा है। हालांकि हवाई किराया उन्हें केवल शहरों का बड़ा है जहां पर ज़्यादा संख्या में जयपुर के लोग रहते हैं। उन शहरों के लिए अधिक फ्लाइट्स होने के बावजूद यात्रियों से ज़्यादा किराया वसूला जा रहा है। इस श्रेणी में मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, पुणे आदि शहर शामिल है। वहाँ कलकत्ता, हैदराबाद आदि शहरों में जयपुर आने के लिए किराए की दरें ज़्यादा नहीं बढ़ी है, क्योंकि इन शहरों से जयपुर लौटने वाले यात्रियों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत बिगड़ी, साल भर में नहीं मिला फंड। पूरे प्रदेश में महिला दिवस और होली के त्यौहार मना रहा है, वहीं दूसरी ओर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हालत ख़राब है। खबर के मुताबिक ना तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय मिल रहा है, ना ही केंद्रों का किराया, ना ही प्रसार का खर्चा। ऐसे में बिना बजट मानदेय लाखों आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत ख़राब है। राजस्थान में पिछले 4-5 महीने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं मिल रहा है, जिसके कारण कार्यकर्ता अब त्यौहार कैसे मनाएं। राजस्थान में 2 लाख से ज़्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जिनमें अधिकतर कार्यकर्ता मानदेय के समय पर ही नहीं आ रहा है। विभाग की लापरवाही के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का घर ठीक नहीं चल पा रहा है। हर महीने सहयोगियों को 2700 रुपये और सहायिका को 4,250 रुपये और कार्यकर्ताओं को 7,500 रुपये और साथी को 3200 रुपये निर्धारित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाले मानदेय को तो छोड़िए, आंगनबाड़ी केंद्रों पर किराए और बजट भी नहीं मिल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पिछले 1 साल से किराया बजट नहीं पहुंचा है।